की बड़ी खबर अशोकनगर से, जहां चंदेरी में बड़ी चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। जी आपको बता दें, एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया ने पत्रकार वार्ता कर दी इसकी जानकारी। चंदेरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो आरोपियों से जब्त किया चोरी का सामान। अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील में सराफा दुकान में हुई थी चोरी, नकदी सहित सोने चांदी के जेवरातों पर किया गया था हाथ साफ। जब्त किए गए जेवरातों की कीमत 8 लाख बताई जा रही है। दो आरोपियों से कार भी जब्त की गई, जिसका घटना में उपयोग किया गया था। चंदेरी टीआई उमेश उपाध्याय सहित टीम की एसपी ने की प्रशंसा। पत्रकार वार्ता में एएसपी प्रदीप पटेल, चंदेरी एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया मौजूद रहे। 29/12 को चंदेरी कस्बे में सोनी जी की यहाँ चोरी हुई थी और उसमें लगभग 8 लाख का जो माल लेके वो चोर वहाँ से भागे थे, जो रिकवर हुई है। और उसके बाद पुलिस ने लगातार प्रयास करके उसमें दो जो है उसके जघन्य अपराधी जो है उसको पकड़ा है, जो गुना के रहने वाले हैं। और उसके गुना में उनके खिलाफ कैंट थाने में एक के खिलाफ 10 अपराध है, दूसरे के खिलाफ भी 2 अपराध हैं। और ये वाहन के साथ आए थे, वहाँ पे वारदात करके वाहन से भागने वाले थे। बाकी अपराधी जो उसमें 4 अपराधी का और नाम आया है, जिसके पीछे हम लोग लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं उसको जल्दी से पकड़ने का। अशोकनगर जिले की इन्होंने चोरी अभी स्वीकार नहीं की है, हम उसका रिमांड लेंगे और चोरी के बारे में पूछताछ करेंगे। विवेचना के दौरान और जो अपराधी पकड़े जाएंगे भी उनसे ही पूछताछ की जाएगी कि अशोकनगर में और क्या इन्होंने कहाँ कहाँ पे चोरी की है। इसके अलावा अन्य जिलों में यदि कोई वारदात किया होगा तो उन जिलों को सूचना दी जाएगी।